डरते हुए सकुचाते हुए वापिस आए कि गुरु महाराज गुरु जी क्रोधित ना हो जाए। डरते हुए सहे होकर भगवान आए हुए हैं और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण गुरु जी की चरण दबा रहे हैं, बार बार विश्वास के बना कर रहे हैं, बार बार प्रभु दबा रहे हैं चरण, प्रभु सेवा का मौका दीजिए। अनेक बार विश्वामित्र जी ने मना किया कि राम हो गया हो गया, लेकिन भगवान असीम है, प्रेम है कि अपने गुरुदेव की चरण को सेवा करना चाह रहे हैं, छोड़ देते हैं, बार बार करें गुरुदेव आप मौका दीजिए। अंत में गुरु जी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और फिर दोनों अपने कमरे में गए। अब राम लक्ष्मण अपने कमरे में सोए हैं, राम जी सोए हुए हैं और लखन लाल भगवान की सेवा कर रहे हैं। बार बार राम मना कर रहे हैं, अटक सो जाओ नहीं प्रभु, और दबा दबा रहे हैं। तब फिर राम ने अपना स्वगंध देके शपथ देके लक्ष्मण को सुलाया। सोने का क्रम पहले गुरु जी, फिर राम जी और फिर लक्ष्मण जी, और रामायण में जगने का क्रम बताया, पहले लक्ष्मण जी फिर राम जी और फिर गुरु जी। तो तीनों सवेरे जगे हैं, सुबह जगे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए, गुरु जी राम और लक्ष्मण जी को फूल देने के लिए बगीचे में भेजे। राम और लक्ष्मण उस वाटिका में पहुंचे। रामायण में दो वाटिका का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। दो वाटिका का वर्णन है रामायण में। एक वाटिका में भगवान और भगवान की पत्नी का मिलन हुआ और एक वाटिका में भगवान से उनकी पत्नी का योग हुआ। ये पुष्प वाटिका जनक जी की वाटिका थी और अशोक वाटिका रावण की वाटिका। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका थी और अशोक वाटिका एक धोबी की वाटिका। एक वाटिका में राम और सीता का मिलन हुआ और एक वाटिका में सीता और राम का विरह हुआ। पुष्प वाटिका एक विदेह की नगरी में थी और अशोक वाटिका एक अभिमानी एक आसक्ति की नगरी में। पुष्प वाटिका सलामत रहा, अशोक वाटिका को मेरे पुष्प वाटिका एक बहुत सुंदर बगीचा था और इस बाग में एक भक्त का भगवान के साथ मिलन हुआ, सीता का राम से मिलन हुआ। ये बात है हमारे इंद्रिया, यदि हमारी इंद्रिया हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है, तो हमें ये हमारी इंद्रिया भगवान से मिला सकती है। लेकिन यही इंद्रिया यदि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो यही बात हमारे लिए आग बन जाएगी। यदि लेकिन इंद्रिया कंट्रोल में है तो भगवान से गिराने वाली बात। पुष्प वाटिका के मार्ग पर पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी सीधे अंदर चले गए, राम जी ने रोका, अरे वे कहां जा रहे हो, बाहर निकलो बाहर निकलो। अनुमति दी आपने जाने से, बोले भैया हमें किसकी अनुमति की जरूरत, हम किसी अनुमति लें, बोले नहीं चलो बाहर निकलो, पहले अनुमति लो फिर जाओ। बाकी के जो मालिक थे उससे अनुमति लिया और फिर अंदर गए। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया था गत सत्र में कि भगवान राम जनकपुर में गए थे और किसी सीता की सखी ने भगवान को देख लिया था और आज इस सखी ने राम को पुष्प वाटिका दी और दूसरी ओर सीता की माता सुनैना ने सीता को कहा, बेटा कल स्वयंवर सभा है, कल तुम्हारा विवाह है, इसलिए आज जाओ और गिरजा ली देवी सीता अपने सखियों के साथ माता जी की गिरिजा जी की पूजा करने जा रही है।
है। उसी समय एक सखी ने कहा, सीते सीते पुष्प वाटिका में मैंने एक बहुत सुंदर पुरुष का दर्शन किया है, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लुभाने वाले पुरुष का दर्शन किया है। सीता आज मैं तुम्हें उसका दर्शन कराऊं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़ के ईश्वर का दर्शन कराए, वैसे वो सखी सीता का हाथ पकड़कर ईश्वर का दर्शन कराए। सीता बार बार पूछ रही है, सखी कहाँ है वो पुरुष, सखी कहाँ है, बताओ बताओ। और उस बगीचे में लक्ष्मण जी ने देखा कि इनकी गिनती हो चुकी है, प्रिया प्रीतम मिलने वाले हैं। लक्ष्मण जी से जितना हो सका उन्होंने उतना भगवान को फूलों से सजा दिया। किसी झाड़ के पीछे बिठाकर फूलों से सजा रहे हैं, जैसे पर्दे के पीछे बैठ कर पुजारी भगवान को सजाते हैं। और यहाँ पर सखी सीता का हाथ पकड़ कर ला रही है, बार बार सीता कह रही है, सखी कहाँ है वो पुरुष। और पुजारी जैसे मंदिर का पर्दा हटाता है, वैसे उस सखी ने उस झाड़ी को हटाया और राम और सीता का बिल्कुल आमने सामने हो गए। पहली बार दोनों आमने सामने दर्शन किए और बोल पड़े, लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी ही बरा। बेकुंठ के पिछड़े हुए लक्ष्मी नारायण प्रिया प्रीतम आज पुष्प वाटिका में दोनों एक दूसरे को। मुझे आपको इस प्रसंग से बतानी है, इस प्रसंग के माध्यम से जो सिद्धांत मुझे आपको बताना है कि सीता मानो भक्ता है, भक्त है, और सखी मानो गुरु है। उस सखी ने सीता को राम से मिलाया। जैसे गुरु का काम होता है संसार के पूरे भक्त के जीव को भगवान से मिलाए, उस सखी ने वैसा ही काम किया। उस सखी ने सीता को राम से मिला पाया। किस तरह से? क्योंकि उसने पहले ही राम को देखा था, भगवान को देखा था। इस संसार में वही गुरु इस जीव को भगवान से मिला सकते हैं जिन्होंने भगवान को जाना है, जिन्होंने भगवान को देखा है, जो स्वयं भगवान से मिले हुए। और दूसरी बात, उस सखी सीता का हाथ पकड़कर आई और राम और सीता जब आमने सामने हो गए, प्रिया प्रीतम जब आमने सामने हो गई, तो सखी वहां से बाजू हो गई। बस गुरु का काम इतना है कि भूले भटके के जीव को ले जाकर भगवान से जोड़ दे, और जब जीव और भगवान जुड़ जाए, भक्त और भगवान जुड़ जाए, तो गुरु साइड हो जाए। लेकिन आज के कुछ पाखंडी गुरु भगवान को छोड़कर खुद को ही भगवान बनाते हैं। भगवान से मिलाने की बात तो दूर, कहते हैं पूरी भगवत गीता सुनाते हैं और अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबू शरणं व्रज। भगवान ने जहां पे कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, वहां पे ये साधु पारंती लोग कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणं। सब कुछ छोड़कर, सारे छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर मुझ बाबा मुझ बापू की शरण में आ जाओ। ऐसे गुरु संसार के जीवों को, जीवन को रोक दे रहे हैं। ऐसे गुरु जीवों का पतन करा देते हैं। संसार के लोगों की आस्था श्रद्धा के साथ किवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था को रोक रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ईश्वर तो गुरु गुरु होता है, गुरु महान होता है, ये माना गुरु की पूजा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, गुरु को भगवान इतना या भगवान से अधिक आदर भी देना चाहिए माना। लेकिन गुरु अपने आप को भगवान कह देंगे, ये करे ऐसा करे तो तुरंत हमें उस गुरु को त्याग देना चाहिए। श्री प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करके भारत लौटे, काफी दिनों तक अमेरिका उन दिनों इस कौन का प्रचार चरम सीमा पर था, प्रभुपाद जी का प्रचार चरम सीमा पर था। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, किसी भक्त ने उन्हें समाचार दिया कि आप वृंदावन में हैं और अभी अमेरिका में कोई आपका भक्त कह रहा है कि आप भगवान हो,
श्री कृपाल जी ने तुरंत लेटर लिखा और उस लेटर के ऊपर मैंने लिखा कि पूरा लेटर आप बाद में पढ़ना, पहले वो जो तो भक्त बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं उसको मंदिर से बाहर रखना। इतने बड़े संत, इतने बड़े महात्मा होकर जिनकी आज पूरे संसार को गा रहे हैं, खाली भारत वर्ष नहीं पूरे संसार में जिनका आज नाम है, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं भगवान हूं। लेकिन आजकल के कुछ छोटे मोटे संत, छोटे मोटे जादूगर चमत्कार दिखाकर अपने आप को और इस जगत को लूट रहे हैं। ऐसे गुरुओं की संख्या बढ़ गई है भक्तों, इसलिए आज सदगुरुओं को कोई पूछता नहीं, आज गुरु पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं कह रहा था प्रिया प्रीतम मिले हैं, सखी चली गई, राम और सीता एक दूसरे को देख रहे हैं, वहां मंदिर जाने में देर हुई, सखियों ने सीता का हाथ पकड़ा और वहां से जबरदस्ती। यहाँ भगवान रामचंद्र लखन से कहते हैं, लखन लखन आज तक मेरा मन किसी स्त्री के ऊपर नहीं गया, लखन मुझे मेरे रघुकुल के ऊपर विश्वास है, मुझे मेरे इस मन के ऊपर विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन लखन आज मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा रहा है तो निश्चित ये सीता कल स्वयंवर में तुम्हारी भाभी बनने वाली है लखन, तो हमारा मन किसी स्त्री के ऊपर नहीं जा सकता। रघु बन सन कर सहज स्वभाव मन उपंत पर उधारे टकाओ, रघु बंसी कर सहज स्वभाव, रघु बंसियों का सहज अपना स्वभाव है, अपना मन है कि किसी पद पर जा नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि मेरा मन आज सीता पर आया है तो निश्चित कर सीता के पद। ऐसा एक इतिहास भक्तों भारत में भी सुनने को मिलता है, भागवत में भी सुनने को मिलता है कि एक दिन महाराज दुष्यंत महर्षि कणव के आश्रम निद्रा कर रहे थे, प्यास लगी, जल कहीं नहीं मिला, सामने महर्षि कणव के आश्रम थी वहां चले गए। महर्षि कणव कहीं पे बाहर गए थे, उनकी पुत्री वहां पे थी, वहां पे जाकर उन्होंने बोला कि मुझे जल पीना है, आप मुझे जल पिलाओ। पुष्कन्या ने उन्हें जल पिलाया, दुष्यंत की दृष्टि पुष्कन्या के ऊपर गई, राजा दुष्यंत ने प्रस्ताव रख दिया कि हे देवी मेरा मन आप पर आ गया है, क्या आप मेरे साथ विवाह करोगी, पहले तो आप ये कहो कि आपको हो। उस कन्या ने कहा कि मैं महर्षि कणव की कन्या हूं, राजा दुष्यंत ने चैलेंज के साथ कह दिया कि ये हो नहीं सकता कि तुम महर्षि कणव की कन्या हो, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय राजा हूं और महर्षि कणव एक ब्राह्मण है, मेरे एक क्षत्रिय का मन कभी एक ब्राह्मण कन्या के ऊपर नहीं आ सकता, एक कभी ब्राह्मण स्त्री के ऊपर नहीं आ सकता, मैं एक क्षत्रिय का बेटा हूं, मन ब्राह्मण के ऊपर कैसे जा सकता है, सच सच बताओ तुम कौन हो। बोले मैं तो महर्षि कणव की कन्या हूं। कुछ देर बाद महर्षि कणव घर पर आए, उस कन्या ने पूछा पिताजी मैं आपकी बेटी नहीं हूं, सच सच बताओ। तब महर्षि कणव ने कहा नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी नहीं, तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र की कन्या हो। राजाओं को अपने मन के ऊपर विश्वास होता था भक्तों, और हमारा मन अभी कथा में है, हमें हमारे मन में कितना विश्वास है देखिए, अभी हमारा मन कथा है, कथा में है, थोड़ी देर बाद कहीं और होगा, उसके थोड़ी देर बाद कहीं और होगा, लेकिन क्षत्रिय राजाओं, पहले राजा महाराजाओं को अपने मन पर विश्वास होता। राम और लक्ष्मण अपने स्थान पर पहुंचे, सीता अपने शक्तियों के साथ देवी पार्वती के मंदिर में गई, देवी सीता अपनी झोली चलाकर पार्वती से प्रार्थना। भक्तों यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत देवी सीता दे रही है कि देवी सीता पार्वती की शरण में गई। हम भागवत में सुनते हैं गोपियां कात्यायनी देवी की शरण में गई, देवी देवताओं का सदैव आदर करें, सदैव प्रणाम करें। हम तो गोपी धरता पद कमलम दास अवदास अवदास, हम गोपियों को अपना आदर्श मानते हैं, गोपियां हमारे लिए आदर्श है, गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करें। उद्देश्य क्या था कात्यायनी देवी की पूजा करने के पीछे, देवताओं को प्रणाम करें, उनको आदर करें और उनसे मांगे कि हमारा राम से कृष्ण से संबंध जुड़ा।
हमारा नाम से कृष्ण से प्रेम हो जाए, कृष्ण हमारे मित्र बन जाए, कृष्ण हमारे क्रिएटर बन जाए, कृष्ण हमारे पुत्र बन जाए, ऐसा हमसे विनती करें। और अपनी झोली फैलाकर दोनों हाथ जोड़कर देवी सीता पार्वती से कहती है, तो संत लोग कहते हैं कि बिना शिव जी के सिग्नेचर आपको राम और कृष्ण के कभी कभी हमारी बुद्धि बड़ी सीमित हो जाती है, हम देवी देवताओं का आदर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भक्तों, हमें हमेशा देवी देवताओं का आदर करना चाहिए और उनसे कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यदि हम भौतिक वस्तु मांगेंगे तो फिर हमारा हृदय, क्योंकि रावण से बड़ा कोई शिव जी का भक्त नहीं था, कंस से बड़ा कोई दुर्गा जी का भक्त नहीं था, दोनों बहुत बड़े भक्त थे लेकिन हृदय शुद्ध नहीं। और आज से कुछ साल पहले की बात, नरसिंह मेहता शिव जी के महान भक्त हो गए, बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान शिव की भक्ति की, भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने नरसिंह मेहता को कृष्ण, तो देवी सीता अपनी झोली फैलाकर दोनों हाथ जोड़कर देवी सीता पार्वती जी से कहती है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, सब लोग आइए, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 महिष मुख चंद चकोरी, जय महिष मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। आज मैं आपके शरण में आया हूँ, बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अभी अभी पुष्प वाटिका में जिनको देख कर आई, कल स्वयंवर में वो राम मेरी पति बन जाए, हमें भी मानना चाहिए भक्तों कि हे शिव जी, हे देवी, हे हनुमान जी महाराज, हे गणपति गजानन जी महाराज, कृष्ण हमारे प्रियतम बन जाए, स्वामी बन जाए, पुत्र बन जाए, पुत्र बन जाए, गणेश जी को मनाती हूँ कि गणपति गजानन महाराज, मैं आज तक आपकी पूजा करती रही, क्यों जानते हैं, आज के लिए गणेश जी, आज तक मैंने आपकी पूजा की, आज के लिए, के लिए कि राम मेरे पति बन जाए, बस राम मेरे पति बन जाए। जय गजबदन सदानंद माता, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी। देवी सीता पार्वती को बना रहे हैं कि राम मेरे पति बन जाए, अरे अब कृष्ण की भक्ति करते हैं, राम की
भी भक्ति करते हैं तो निश्चित हमें देवी देवताओं का आदर करेंगे। इस बार हमारी बुद्धि बड़ी सीमित हो जाती है भक्तों, कई बार हम देवी देवताओं का आदर कर देते हैं लेकिन कभी हमें देवी देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे मांगना चाहिए कि राम हमारे पति बन जाए। जय 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 गिरिराज की सोरी, जय 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 गिरिराज की सोरी। गोपिया कात्यायनी देवी के शरण में गई और कात्यायनी देवी से गए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी, नंद गोप शुचम देवी पति में गुरु देना। जय जय गिरिराज की सोरी, जय जय जय। देवी सीता पार्वती से कहती है कि मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, और आश्चर्य की बात ये भक्तों कि जब सीता प्रार्थना करने लगी तो इनकी प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती की मूर्ति गोल बनी। ये बात हमें विश्वास नहीं होता क्योंकि हमारे साथ तो हमारे पास वाले हमारे पड़ोसी नहीं बोलते हैं मूर्ति बोल बने, इस बात पर विश्वास ही नहीं लेकिन तो मूर्ति बोल पड़ी और बोली क्या, मनु चाहि रचि हूँ मिली हूँ सो पर सहज सुंदर सांवरो, मनु चाहि रचि हूँ मिली हूँ सो, मनु चाहि रचि हूँ मिली हूँ सो पर सहज सुंदर सांवरो, मनु चाहि रचि जा रहे हैं, कहते राम और राम लक्ष्मण चलो मेरे साथ उस कृषि यज्ञ में देखने के लिए कि देखते हैं आज विधाता किसके भाग्य में देवी सीता को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, गुरुदेव आपकी जिसके ऊपर कृपा होगी उसको सीता मिलेगी। सुनकर गुरुदेव प्रसन्न हो गए और वरदान दिए कि राम लक्ष्मण तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो। प्रश्न उठ सकता है विवाद तो राम का होगा, सीता का स्वयंवर है, फिर महाराज गुरु ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है बहुवचन में दोनों की जो इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि जब कल सीता आई थी तो उनके साथ उर्मिला भी थी और लक्ष्मण जी ने उनको देख लिया था और कहीं ना कहीं मन में कुछ हो रहा था और गुरु जी वो जान गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे मन में इच्छा है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लेके निकल पड़े। सभा लग चुकी है, राजा जनक उच्च मंच पर विराजमान है, आकर बैठे देव धनुज मनुज शरीरा विपुल वीर आये धीरा, देवता और दानव भी मनुष्य रूप लेकर उस राजसभा में आए हैं। देश देश के भूपति नाना देश देश के सभी लोग राजा का रूप बनाकर उस सभा में आकर बैठे और उस समय महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आए। रामायण कार्य
राज समाज विराजत रूरे उठकर महु जनु झुंपित हो गए। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आए और उस सभा में आकर देखा कि हजारों लोग लाखों लोग बैठे हैं, लेकिन भगवान के प्रति जिस भावना थी भगवान उस रूप में लोगों में विश्वामित्र जी कहते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति जिन देखी देखी राम सिया राम सिया भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी देखी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। राज समाज विराजत जो लोग जिस भाव से भगवान को भजते थे उस भाव में लोगों ने भगवान का दर्शन किया, आज उसी भाव में भगवान की मूर्ति उसे दिखाई दे रही। स्वामी जी कहते कैसे दिख रहे हैं, महान राजाओं ने भगवान को स्वयं वीर रस में देखा, शरीर धारण करके वीर रस आया वो इस रूप में देखा, कुटिल राजाओं ने भगवान को मूर्ति के रूप में देखा, राक्षसों ने भगवान को भगवान राम को साक्षात्कार के रूप में देखा, नगर वासियों ने भगवान राम को मनुष्यों में नरवर मनुष्यों में श्रेष्ठ रूप में देखा, स्त्रियों ने भगवान को साक्षात माधुरी रस के रूप में देखा, विद्वानों ने भगवान को विराट रूप में देखा, जनक जी के संबंधियों ने कुटुंबी जनों ने भगवान राम को अपने रिलेटिव अपने सगे संबंधियों के रूप में देखा, जनक और उनकी रानियों ने राम को अपने बच्चों के रूप में देखा, योगियों ने राम को परम तत्व के रूप में देखा और उस सभा में हरि भक्तों ने राम को अपने श्रीयों के रूप में इस सभा में अपने अपने भाव के अनुसार से सभी ने भक्तों को भगवान का दर्शन किया। किसी ने रामायण काल से पूछा, सीता ने भगवान राम का किशोर रूप में दर्शन किया, रामायण काल की कदम रुक गई, बोले सीता ने किस रूप में राम का देखा, या तो सीता जानती है या फिर राम जानते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महर्षि विश्वामित्र को देखकर जनक जी अपने आसन से नीचे उतरे, राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी को लेकर एक उच्च आसन बनी थी उसने विराजमान कराया। सभी राजाओं जब राम और लक्ष्मण जी को ऊपर बिठाया गया उसी समय से राजाओं में ईर्ष्या प्रारंभ हो गई, बोले ये दूध पीते हुए बच्चों को ऊपर बिठाया और हम सबको नीचे बिठाया, क्या कमी है हमने, ये कल बालक ऊपर बैठेंगे और हम नीचे बैठेंगे। तब किसी अन्य राजा ने बोला, छोड़ो यार क्या करना है उससे, क्या ऊपर बैठना और नीचे बैठना है, जिस काम पे आए उस काम पे कंसंट्रेट करो। तब बंदी महागत को बुलाया गया, बंदी महागत कर फिरौली गाने लगे कि राजा जनक जिनकी इस कन्या इस जगत में इसका कोई बराबरी नहीं, इसकी सुंदरता के साथ किसी का कोई तुलना नहीं, वह सीता उस राजा के गले में वर माला डालेगी, जो यह शिव उसको उठाएगा और इस पर प्रतिदिन चर्चा बंदी का ऐलान करने लगे, ये राजा महाराजाओं ये शिव धनुष राहु के समान है, लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो, आप सब लोग भी ताराओं की तरह चमक रहे हो, जैसे आकाश में तारा
चमचमाते हैं, जैसे आकाश में नभ में तारा चमकते हैं, वैसे आप सब भी चमकते हो। इतना सुनते ही राजा महाराजा लोग अपने बाहों को कसने लगे, अपने पूंछ के ऊपर ताव लेने लगे, अपने भुजाओं को चढ़ने लगे। नृप भुज बल बिदु शिवद नुराहु, करौ कठोर विदित सब काहु। नृप भुज बल बिदु शिवद नुराहु, करौ कठोर विदित सब काहु। चलन के प्रति कहते काठी राजाओ, धनुष राजा राहु के समान है, आप लोग ताराओं के समान है। सब लोग अपने पूंछ के ऊपर ताव देने लगे, पूजा करने लगे। जनक जी की इन दूतों की बात राजा सुन नहीं पाए। वे कहना चाहते थे कि राजा ताराओं में अपना तेज नहीं होता, ये सारे तारा सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। वैसे ही हे राजा महाराजाओ, आप लोग यहाँ पर जो चमक रहे हो, ये आपका तेज नहीं। हे राजा महाराजाओं, आप लोगों के बीच आप लोग चमक रहे हो, ये आपका तेज नहीं। आपके बीच में सूर्यवंशी रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र बैठे हैं, इसीलिए आप सब चमक रहे हो, आप में कोई तेज नहीं। नृप भुज बल बिद शिव धनुराहु, करौ कठोर विदित सब काहु। नृप भुज बल बिद शिव धनुराहु, करौ कठोर विदित सब काहु। जनकजी की मंत्री खड़े हो गए और आपत्ति और भी आरंभ हो जाए। रामायणकार कहते हैं, जिनके कछु विचार मनमाही चाप समीप वहीं रह जाते। जो सुशील राजा थे, जो सज्जन राजा थे, उन्होंने मन में सोचा कि सीता धरती की पुत्री है और हम लोग महीपाल है। मही मने पृथ्वी, हम इस पृथ्वी के पति हैं। यदि उस नाते देखा जाए तो ये सीता है। बेटी से विवाह करने का विचार तो मन में गलती से स्वप्न बैठे नहीं आना चाहिए। और हम लोग धर्म पर आ गए, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। जो अच्छे राजा थे वो स्थान को छोड़कर चले गए, सीता से विवाह करना ये हमारा कार्य नहीं। लेकिन जो कुटीर राजा थे वो वहां पर गए। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। वंती गणों ने कहा कि ये धनुष रामों के समान है और आप तारों के समान है। सभी राजागण गणपति गजानन महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे गणपति गजानन महाराज, मेरा चांस पहले आ जाए और ये धनुष हमसे टूट जाए, 5 किलो तक पहुंचा और थोड़ी ही देर बाद अपना कॉन्फिडेंस अपना मनोबल गिर जाता था। उधर गणपति गजानन महाराज, हमसे ना टूटे कोई बात नहीं, 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बाजू वाले से नहीं टूट जाएंगे। इतनी तो ईर्ष्या बनी हुई थी इन लोगों में, इन राजाओं के मन में इतनी ईर्ष्या थी। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक राजा अपनी मूंछ के ऊपर ताल, अपनी मूंछ को ऐंठ कर, अपनी जगह को ठोक कर खड़ा हुआ। सभा सदों को लगा अभी कोई उठा ही देगा धनुष। लेकिन जैसे ही धनुष के पास गए, एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा धनुष, दोनों हाथ से धनुष नहीं उठा, राजा तुरंत वापिस आ गया। दूसरा राजा गया, तीसरा राजा गया, चौथा राजा गया। ये राजागण जैसे ही धनुष को उठाते थे, मानो राजागणों की शक्ति को धनुष स्वामी जी कहे, तम की धरई धर मुड़ निप, उठे न चल न जाए, मन ऊपर भाट बाहु पर अधिक अधिक शक्चा। रामायण काल कहते हैं कि एक धनुष को उठाने का जितना प्रयास किया जा रहा था, धनुष उतना उतना और भारी होता जा रहा। सभासद के सारे राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किसी से जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा, तो पार्टनरशिप में बिजनेस प्रारंभ किया। दो दो राजा मिलकर समझौता करके कि पहले चलो धनुष उठा लेते हैं, उसके बाद सीता किसकी होगी इसका फैसला बाद में कर लेंगे। दो दो राजा मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास किया, धनुष नहीं उठा। तीन तीन राजाओं ने प्रयास किया, चार चार राजाओं ने प्रयास किया। गोस्वामी जी रामायणकार ने ऐलान किया कि शिव धनुष को उठाने के लिए एक नहीं, 10 नहीं, 10,000 राजा खड़े हो गए।
भूप सहस दस एक ही बारा सके उठावत गई नारा भूप सहस दस एक ही बारा सके उठावत गई नारा उसी दर्शन करके दस नहीं दस हजार राजा खड़े हो गए लेकिन उस दस हजार राजाओं ने मिल गए भी उस वैसे ही नहीं उठा पाया कैसे डगरी न संसरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे डगरी न संसरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे कि एक कामी व्यक्ति के वचन के सर सती स्त्री के सती नारी के मन के ऊपर नहीं होता वैसे ही विकामी राजाओं के बाहुबल का असर स्त्री धनुष के ऊपर। कन्हैया जी आप लोग गाएंगे या फिर विवाह करा दो? एक घंटा हो गया आपका, आप लोग हरि कीर्तन कीजिए ना, 10-15 विवाह विवाह करा दो मैं 10-15 मिनट में। जैसे कामी व्यक्ति का वचन का असर किसी सती के मन पर नहीं होता वैसे ही कामी राजाओं के बाहुबल का उस धनुष के ऊपर 10-10 हजार राजा महाराजा बनकर उस धनुष को पकड़ लिए उठाने का प्रयास किए। तब जनक जी से रहा नहीं गया, आक्रोश में आकर बहुत दुखी होकर कह दिए बस अब और उपहास ना हो तो अच्छा है, यदि मुझे ये पहले ही पता होता कि आपसे ये धनुष नहीं उठेगा तो मैं ऐसी प्रतियोगिता रखकर कभी अपनी बेटी को कुमारी और आप में से इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया। लज्जा की बात है, क्या मैं नहीं जानता कि आप बड़े बड़े पराक्रमी हो, देवता और दानव भी मनुष्य का रूप लेकर आकर बैठे हो। अरे कौन सा बड़ा काम करना था, एक धनुष को ही तो उठाना था। लेकिन धनुष को उठाने की बात तो दूर, आप तो दिन भर सीधा नहीं कर पाए। तज हुआस निज निज घर जाऊं, गेट लॉस्ट गेट आउट, सब यहां से बाहर चल जाओ, निज निज घर जाओ, सब लोग इस महल को छोड़कर इस सभा को छोड़। अब जनक जी ने कह दिया कि आप बाहर चले जाओ, तो सभी राजाओं को चले जाना चाहिए था। लेकिन राजाओं ने सोचा कि हम लोग से ये धनुष नहीं उठा पाए तो क्या ये दूध पी के बच्चे उठाएंगे, और जब ये बच्चे से नहीं उठेगा तो क्या राजा जनक अपनी बेटी को कुंवारी रखेंगे। फिर शायद राजा जनक कह दे बेटी जाओ इन राजाओं में से जो तुम्हें अच्छा लगे उसकी गले में वरमाला डाल दो, शायद उसमें तुम्हारा नंबर आ जाए। सभी राजा बेचती सह करके बड़े निर्दलीय होकर रहे, लेकिन महाराज जनक ने आक्रोश में आकर कह दिया कि मुझे लग रहा है परशुराम जी का परसु चलने के बाद इस धरती के गोले पर कोई वीर नहीं बचा, वीर विहीन वहीं में जाना, ये धरती का गोला वीरों से खाली हो चुका है। और जब अब इस समाज में भगवान राम बैठे हैं और उनका अनुज लक्ष्मण बैठा हो, सभा में कोई कहते कोई वीर नहीं बैठा हो, लक्ष्मण अनंत से इसके अवतार सहन नहीं हुआ, जैसे सर्प के पूंछ के ऊपर पांव आ जाए और सर्प फुटकार मार कर खड़ा हो जाए, लक्ष्मण जी ने कहा बस महाराज बस, अब एक शब्द भी आगे मत बोलिए। जिस सभा में रघुकुल का एक दीप का बालक भी बैठा रहता है उस सभा में ऐसे वचन बोलने का कोई हिम्मत नहीं करता, और आज आप इस सभा में रघुकुल शिरोमणि रघुकुल भूषण राम बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वीर नहीं। अरे वीरता ही देखनी है तो आपके इस दीप धनुष की बात में क्या करूं, अरे मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटकूं जिससे टुकड़े टुकड़े हो जाए, अरे मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो सुमेरु पर्वत को मैं मुल्लिकर की तरह उठा लूं, अरे मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक मैं दौड़ कर चला जाऊं, और अगर ऐसा ना कर सकूं तो जीवन भर हाथ में कपड़ा। लक्ष्मण जी जब इस प्रकार आक्रोश में आकर वचन कहने लगे तो उनके वचन का असर वातावरण ब्रह्मांड पर होने लगा,
ये ब्रह्मांड ये धरती दौड़ने लगी, आकाश कांपने लगा और सारा ब्रह्मांड ऊपर से नीचे होने लगा और सारे राजा महाराजा सोचने लगे कि निश्चित प्रलय आ जाएगा। लखन बचन सकोप जे बोले टगमगानी मही दीग जे डोले, लखन बचन सकोप जे बोले टगमगानी मही दीग जे डोले। लक्ष्मण जी के वचन का असर वातावरण के ऊपर हो गई और उस समय गदा नक्षत्र तारे ये धरती सब कुछ कांपने लगा। उस सभा में सभी राजा महाराजा कांपने लगे, सभी राजाओं के सिंहासन कांपने लगे, धरती कांपने लगा, तारे कांपने लगे, सब कुछ कांप रहा था। केवल दो चीज वैसी की वैसी थी, एक शिव जी का नुस और एक भगवान श्री रामचंद्र। लक्ष्मण जी लाल और पीले हो गए, भगवान श्री रामचंद्र के पास गए कि भैया मैं इतना क्रोधित हो गया हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा है? भैया मैं इनके वचन को सुनकर लाल हो गया हूँ, आपको कुछ नहीं हो रहा है? तब भगवान बोले, लखन करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, गुरु जी की आज्ञा। कितने सौम्य स्वभाव है भक्तों, तीनों लोकों के स्वामी सर्व समर्थ है प्रभु, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई तब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। बोले लखन गुरु जी की आज्ञा नहीं है, लेकिन प्रभु मैं लाल पीला हो गया हूँ, आप कुछ कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, लखन जब सूर्य उदय होता है तो आकाश में लालिमा आती है। सूर्य उदय होने से पहले आकाश में लालिमा आती है, लखन लालिमा आ चुकी है सूर्य पूजी के। और विश्वामित्र जी लखन और राम जी भाव को समझ गए, वो समझ गए कि वो क्षण आ चुका है कि भक्त और भगवान एक हो जाए, प्रिया और पितर मिल जाए। और उसी समय योग्य समय देखकर जनक जी की चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना वरद हस्त ऊपर उठाया और कहा, ओम प्रभु राम धन हूं भक्त चापा मेट भूतात जनक परितापा, ओठ हो राम भजहु भव चापा मेट भूतात जनक परितापा। राम जनक जी हृदय से दूर है, अनेक वर्षों से जनक जी की तपस्या है, आज जनक जी की उस तपस्या का फल प्रदान करो। गुरु जी के आदेश को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए, गुरु जी से आज्ञा लेकर प्रार्थना किए, आज्ञा दिए और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे सत्य सरोज सब हरते लोचन रंग, बिकसे सत्य सरोज सब हरते लोचन रंग। भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए हैं, कैसे लग रहा है? मानो एक छोटा सा सूर्य आकाश में आ रहा है, एक छोटा सा सूर्य जैसे पर्वत के पीछे से निकल रहा है। गोस्वामी जी ने सुंदर बहुत सुंदर बात बताई, कहते जैसे सूर्य आकाश में आता है तो जल में रहने वाला कमल घिर जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही उस सभा में जितने संत बैठे थे, साधु बैठे थे, सभी भी देखे थे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे सत्य सरोज सब हरते लोचन रंग, बिकसे सत्य सरोज सब हरते लोचन रंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान श्री रामचंद्र खड़े हुए हैं, उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत सुनैना जी के मन में चिंता बढ़ गई, चिंता करने लगी, हमारे जीवन में इतना कर्म उपहास हुआ था, जो ये बालक जा रहा है धनुष को उठाने के लिए, ये विश्वामित्र जी की हमारी ओर उपहास उठाना चाहते हैं, किस बालक को भेज दिया? उसी समय एक सखी ने कहा, रानी जू आप इनकी उम्र भी बढ़ जाइए,
तेज जीवन जब करी है रानी रानी जीव व्यक्ति का प्रभाव उसकी उम्र से पता नहीं चलता। जो महात्मा होते हैं ना सदैव अपने प्रभाव को छुपाते हैं और जो दुष्ट होते हैं वे अपने प्रभाव को बताते हैं और अपने स्वभाव को छुपाते हैं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त अपने प्रभाव को छुपाते हैं स्वभाव को बताते हैं। रानी जू आप चिंता मत करो ये दिखने में एक साधारण है लेकिन इसका पराक्रम बड़ा अद्भुत है। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़े हैं। आगे बढ़कर भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। हे भोलेनाथ आपके इस पिनाक पानी को आज मैं तोड़ने जा रहा हूँ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। एक परिक्रमा करते ही सीता जी के हृदय में चिंता बढ़ी। सीता के मन में धीरे धारण हो रहा है और सीता जी इष्ट अपने पितरों को अपनी परंपरा को समस्त देवी देवताओं को याद करते हुए मना कर रहे हैं। गाइए प्रणव पति जगवंदन गाइए समस्त देवताओं के चरणों में सबको नाम लेते हुए सबको याद करते हुए प्रणाम कर रहे और क्या मांग रहे पारे पारे की सुध बोली पारे पारे की सुध बोली करहु चाप दुर्दाती कोली करहु चाप दुर्दाती कोली आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप उस धनुष के वजन पर काम कर दीजिए जिससे हमारे प्रभु राम उस धनुष को उठा सके। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी छोटी बोली से समझाता है ठीक उसी प्रकार जगत जननी माता सीता गणेश जी को मनाने लगी। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन सीता समस्त देवी देवताओं को मनाने लगे। भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आपने खोला उठाकर अपनी आंखों को उठाकर सीता के सामने देखती है। सीता सच्चाई हुई अत्यंत विचलित हो रही है। सीता धीरज को बैठी है प्रभु हम और सीता को परेशान करना नहीं चाहते हैं। तुरंत भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष की प्रथम परिक्रमा की दूसरी परिक्रमा की तीसरी परिक्रमा की धनुष की तीन परिक्रमा कर रही है और जैसे एक करोड़ आकाश में खड़े बड़े सर्प को देखता है भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को देखकर भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष के ऊपर अपने निगाहों को डाला। रामचंद्र ने निर्णय ले लिया कि उस सभा में कि अब मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा। निर्णय लिया कि उस सभा के वातावरण शांत हो गए। हजारों लोगों की दृष्टि उस धनुष के ऊपर सब लोग धनुष को ताक रहे हैं। लक्ष्मण जी जोर से अपने दोनों पांव से इस धरती को दबाकर बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा था है धनुष को राम तोड़ रहा है तू क्यों इतना व्याकुल हो रहा है। लक्ष्मण कहते हैं महाराज आपको पता नहीं है धनुष बहुत कठोर है हमारे प्रभु जब धनुष को उठाएंगे ये धरती डोलने लगेगी ये पृथ्वी अपने स्थान से गिर जाएगी और सीता पृथ्वी की पुत्री है अभी पृथ्वी को आज कुछ हो गया तो हमारे प्रभु की शादी अधूरी रह जाएगी। इसलिए महाराज मैं अपने इस पांव से इस धरती को दबा करके रख रहा हूँ कि कहीं भी पृथ्वी अपने स्थान से हिल नहीं जाए। लक्ष्मण जी ने आदेश दे दिया कि हे दीपालु अपने अपने पृथ्वी के छोर को पकड़ के रखो आज पृथ्वी अपने अपने स्थान से हिल ना जाए। हे दिग्गजों सब लोग अपने अपने स्थान पर पृथ्वी के छोर को पकड़ के रखो कसकर पकड़ रखो। इस प्रकार लक्ष्मण जी संकट अपने हाथ में ले लिए आक्रमण
राम के हाथ में भगवान श्री रामचंद्र धनुष के पास गए, अपना वज्र हस्त आगे बढ़ाया। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने अपना वज्र हस्त आगे बढ़ाया, वो धनुष अपने आप ऊपर हो गया और तुरंत सभा में परम प्रकाश छा गया। सबकी आंखें बंद हो गई। भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष के टुकड़े टुकड़े हो गए और घमासान आवाज हुई। उस काल की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी। गोस्वामी जी ने राज किया, ते ही चन राम मते धनु तोला, परे भुवन तुनी भूल कर तोला। ते ही चन राम मते धनु तोला, परे भुवन तुनी भूल कर तोला। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से उस धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ा और उसकी टूटने से भयंकर आवाज हुई और उस आवाज से सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था, सूर्य पूरब की ओर चला गया। नदियों ने अपनी दिशा बदल ली, धरती डोलने लगे, शेर बरा वश कच्छप सब तिलमिला उठे, दिक्क चक्कर काटने लगे, समुद्र का पानी उछलने लगे, पर्वतों की कंदराओं में पर्वत उछलने लगे, विंध्याचल और हिमाचल की तलहटी में महात्माओं का ध्यान भंग हो गया। देवताओं ने अपने कान पर कान रख लिया, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। भगवान शिव का धनुष टूट गया, राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक जी और सुनैना जी की शंका टूटी, नगरवासियों की चिंता टूटी, मंदोदरी की चूड़ी टूटी। जगत जननी माता सीता ने भगवान के गले में बहुत सुंदर वर माला डाली, देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि हुई और सब लोग भगवान श्री रामचंद्र का जय जयकार करने लगे। सीता राम तुम्हारी जय, जय हो सीता राम। Thank you.
Jai Jai Sri Radhe, Nitai Gaur.